प्यारे बच्चों स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर वन एटी फोर को सी बी क्लास टेन हम ऑलरेडी uh, चारों पोएम्स जो हैं वो कर चुके हैं और मैंने उसकी वीडियोज अपलोड कर दी हैं आई होप कि आपने देखी होंगी और नहीं देखी है तो उसको प्लीज देख लीजिए आपका ही बेनिफिट है उसमें उसके बाद मैंने एक राइटिंग uh, स्किल्स जो आपको फॉर्मल लेटर है इस साल उसकी भी एक वीडियो अपलोड की है प्लीज आप उसको भी देखिए आपके डेफिनेटली uh, आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे अगर आप इन वीडियोज को ध्यान से देख रहे हैं और आज हम शेयर कर रहे हैं आज हम uh, पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का लेटर टू गॉड आप कनेक्टेड रहिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स इस मंथ में खत्म करा दूं जिससे आप जो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ एग्जाम देने वाले हैं आप उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लें ठीक है चलो अब हम शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड लेटर टू गॉड किसने लिखा है जी एल फ्यूवेंटिस ने लिखा है ठीक है ठीके? तो आपको राइटर का नाम सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये राइटर कौन है इस लेटर को लिखने वाला अब बात आती है कि ये टाइटल का मतलब क्या है टाइटल बड़ा सिंपल सा है कि एक पत्र लिखा गया गॉड को ठीक है अब देखते हैं किसने लिखा ये कैसी बात हुई कौन गॉड को लेटर लिख सकता है और अगर गॉड को कोई लेटर लिख भी रहा है तो वो उसको भेजेगा कहाँ और गॉड के पास जाएगा कैसे और रिप्लाई कैसे आएगा वो सोच भी कैसे सकता है चलिए अब हम मैं बताती हूँ ये स्टोरी किसकी है ये स्टोरी एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो ये उसकी स्टोरी है ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर है इसका प्रोफेशन क्या है ये फार्मिंग करता है ये फार्मर है और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसको डीप फेथ है भगवान में बहुत तगड़ा विश्वास है इसको भगवान में ठीक है और अब क्या है स्टोरी क्या बताती है स्टोरी बताती है कि जो इसका फेथ है इससे ये कोशिश करता है कि इसकी जो वांट है, जो ये चाहता है वो, मतलब चाहत वो गॉड तो तो फेयरिंग पीपल अपने को कहते हैं इसका मतलब होता है कि हम गॉड में विश्वास रखते हैं लेकिन इसका कैसा विश्वास है अब देखते हैं इसके विश्वास में कुछ अलग ही बातों की तभी उसके ऊपर एक स्टोरी बनी हुई है चलिए आगे शुरू करते हैं पहले वो कैबलरी पे जाएंगे वो कैबलरी में हम सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो इस चैप्टर में है थोड़ा जिसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें स्टोरी समझने में आसानी होगी सबसे पहला वर्ड है क्रेस्ट क्रेस्ट मतलब माउंटेन के ऊपर एक टॉप ऑफ द हिल पर ऊंचाई पे जाके एक घर बना हुआ है लंचो का घर क्रेस्ट के ऊपर है इसलिए क्रेस्ट का मीनिंग बताया गया है डाउनपोर मतलब बारिश होना ठीक है इंटीमेटली ऐसा माना जाता है मदर और उसके बच्चे के बीच में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप होता है एक क्लोज रिलेशनशिप होता है उसको हम इंटीमेटली कहते हैं सपर मतलब जो हम इवनिंग में खाना खाते हैं उसको हम हम सपर कहते हैं हैं शाम को जो हम खाना खाते गॉड विलिंग मतलब भगवान की दया से जो भी होता है वो जो भगवान चाहते हैं वो होता है इट्स गॉड विलिंग रिगार्ड मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप उसकी बात को कंसीडर कर रहे हैं ध्यान से समझ रहे हैं ड्रेप मतलब कवर्ड अगर हम बोलूं कि मैंने आज इस कमरे को ड्रेप कर दिया है किसी चीज तो मैंने इसे कवर कर दिया है मतलब संतुष्टि को मतलब एक, एक आप, आपका कोई ऐसा कोई इंसान होता ही है जो बहुत फ्रेंडली होता, एक होता, जो फ्रेंडली नहीं होता है कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत करना जैसे मैंने आपको लेटर लिखा आपने मुझे लिखा मैंने आपको एक मेल भेजा आपने मुझे एक मेल भेजा तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है ठीक है उसके बाद आता है नेक्स्ट है रेजोल्यूशन अब रेजोल्यूशन क्या होता है आपने सुना होगा कि आपकी टीचर्स भी आपसे पूछते होंगे जब ईयर नया ईयर शुरू होने वाला होता है कि इस साल क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हो भाई इस साल क्या कौन सा एक फॉर्म डिसीजन लेने वाले हो कि अगले साल ऐसा करने वाले हो तो उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं जब हम कोई पक्का इरादा कर लेते हैं चैरिटी मतलब किसी को मनी देकर किसी नीडी पर्सन को मनी देकर हेल्प करने को हम चैरिटी बोलते हैं डीड मतलब कोई भी एक अच्छा काम इज डीड ठीक है और रिंकलिंग का मतलब होता है जब आप ये कह सकते हैं कि आईब्रोज जैसे आप कुछ बहुत डीप थॉट कर रहे हैं ठीक है थेके? और डीप थॉट करते करते आपके फेस पे 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 या फोरहेड पे, आप फोरहेड आप रिंकल्स आ जाएं। और आप, आपकी रिंकल्स फोल्ड आ जाए फेस पे दिखा ये दिख जाए कि आपको कुछ ना कुछ टेंशन है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्लेग मतलब हो सकता है एक लार्ज नंबर और प्लेग हम एक डिजीज को भी बोलते हैं ये भी ध्यान रखना ठीक है कोई डिजीज जो फैल जाती है सोलिट्री जो होता है अकेला एक बंदा ठीक है इंस्ट्रक्टेड आपको स्कूल से इंस्ट्रक्शन मिलती है ऐसा करना है वैसा करना है तो जो पढ़ाया जाता है वो इंस्ट्रक्शन है ठीक है उसके बाद है कंसाइंस कंसाइंस मतलब आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है अंदर की आत्मा क्या कहती है अंतर आत्मा को बोलते हैं कंसाइंस डे ब्रेक जब आपका दिन शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग के टाइम को हम डे ब्रेक कहते हैं पैसो पैसो जो है करेंसी है उसका यूनिट है उसको हम उस करेंसी को जैसे हम रुपीज बोलते हैं ऐसी पैसो है शाव बूंदा बांदी होना known as सो, सो मतलब अब जब हम डालते हैं ना खेत में तो हम सो कर रहे हैं सीड्स को लिक आइसक्रीम खाते हुए हम आइसक्रीम को लिक करके खाते हैं किसी को भी अपने टंग से चाटने को हम लिक बोलते हैं अफिक्स मतलब कुछ चीज पेस्ट कर देना या चिपका देना या अटैच कर देना ब्लो घूसा इज ब्लो ठीक है बंच ग्रुप ऑफ पीपल को बंच कहते हैं बंच मतलब ग्रुप किसी का भी हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में क्रूक्स क्रूक्स मींस डिसऑनेस्ट पीपल या क्रिमिनल्स भी हम कह सकते हैं ठीक है शावर में ऑलरेडी करा चुकी हूँ हार्टली मतलब दिल से भी हो भी हो हो सकता सकता है 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 और लाउडली ठीक अब हम कहानी शुरू करेंगे बहुत सिंपल सी स्टोरी है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे जल्दी से ठीक है चलिए शुरू करते हैं आप अपने टेक्स्ट बुक को भी सामने रख के समझ सकते हैं नहीं तो मैंने आपको शो भी कर रही हूँ आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं द हाउस दिन इन दर वैली हिल अब एक घर था जो हिल के ऊपर बना हुआ था ठीक है एक घर था जो हिले समझ लो हिल है तो यहाँ पे वो घर बना हुआ है क्रेस्ट पे घर बना हुआ है एक लो हिल था और बहुत बहुत, बहुत बड़े बड़े हिल थे लेकिन एक लो हिस्ट हिल पे घर बना हुआ है एंड फ्रॉम द साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप राइपकॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट और कोई भी इतनी ऊंचाई पे खड़े होके देख सकता था नीचे जो फील्ड है जहाँ पे कॉर्न उग रहा है कौन होता है ना मक्का मक्का उग रही है मक्का का खेत है वहां पे मक्का उगाई जा रही है ठीक है इतनी ऊंचाई पे पे खड़े आराम से वहाँ पे नीचे एक रिवर है उसको देखा जा सकता है और कॉन को देखा जा सकता है और वो सारा जो कॉन फील्ड है ना उसके ऊपर फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं फ्लावर्स ग्रो करने के बाद ही बेटा क्रॉप ग्रो होता है ठीक है फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं और जिससे प्रॉमिसिंग ऐसा लग रहा है कि गुड हार्वेस्ट आने ही वाला है बट लेकिन किस चीज की कमी है द ओनली थिंग

लेंचो के और लेंचो के फील्ड्स के बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप है जो अपने फील्ड्स को जानता है उसको पता है कि अब बस एक बारिश की बूंदे अगर आ जाए तो बहुत अच्छी क्रॉप्स हो जाने वाली है तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसको कुछ क्लाउड्स दिखाई दे जाते हैं तो वो अपनी वाइफ को बोलता है नाउ वी आर रियली बारिश आने वाली है जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी वो प्रिपेयरिंग सपर वो खाना बना रही थी डिनर बना रही थी और उन्होंने क्या रिप्लाई किया हाँ grace ऑफ गॉड भगवान की दया से जो हम चाहते हैं वो होने वाला है ठीक है इससे पता चलता है कि पूरा फैमिली जो है वो भगवान पे विश्वास करता है द ओल्डर बॉयज मतलब जो बड़े लड़के हैं उनके बच्चे भी हैं जो जो तो बड़े लड़के हैं वो अभी भी खेत में काम कर रहे हैं और जो स्मॉलर वंस हैं वो घर के पास ही खेल रहे हैं अब वुमेन जो है मतलब लंचो की वाइफ ने सबको क्या करा कम इन फॉर डिनर सब खाना खाने के लिए घर आ जाओ तो अब सब घर आ रहे हैं खाना खाने के लिए इट वाज ड्यूरिंग द मील अब जैसे ही वो खाना खाने बैठे तो क्या हुआ जैसे ही वो खाना खाने बैठे As had predicted, जैसे लेंचो ने सोचा था मतलब पहले ही सोच लिया था कि क्या होने वाला है जैसा लेंचो ने सोचा था वैसा ही हुआ जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन है वो गिरने लगे आसमान से अब क्या हुआ उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा था तो उसने देखा इतने बड़े बड़े माउंटेन जैसे क्लाउड्स जो थे वो अप्रोच कर रहे थे मतलब वहां पे आ रहे थे और इतनी प्यारी हवा चल रही थी द एयर वॉज फ्रेश और स्वीट इतनी अच्छी हवा चल रही थी अब वो लेंचो अपना खाना वाना सब छोड़ के बाहर आ गया और वो क्यों बाहर आ गया ध्यान से देखेंगे टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी बस वो क्या चाहता था वो चाहता था कि वो उस बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पे महसूस कर पाए वो उसका टारगेट था क्योंकि जब हम कोई चीज बहुत चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए तो हमें हमें लगता है हम उसको फटाफट पहले उसको देखें ठीक है अब वो बारिश की बूंदों को अपने बॉडी पे फील करके आया वापस आया और उसने क्या बोला दे आर एंड रेन ड्रॉप ये रेन रेनड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं ये बारिश की बूंदे नहीं है ये क्या है न्यू न्यूकॉइंस है अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू न्यूकॉइंस क्यों बोला ठीक है आगे भी देखते हैं और भी बातें बोली है पहले सब देख लेते फिर मैं बताऊंगी क्यों बोला और उसने कहा जो बड़ी ड्रॉप्स है वो सेंट है और जो छोटे वन है जो एंड द लिटिल वन आर फाइव और छोटे वाले फाइव सेंट पीसेस है उसने कहा जो बड़े वाले बारिश की बूंदे गिर रही है ना वो पांच पांच सेंट्स के सॉरी टेन सेंस के बराबर है और छोटी वाली जो है वो फाइव सेंस के बराबर है आगे क्या होगा

लेकिन तभी क्या हुआ एक स्ट्रॉन्ग आने लगी ठीक साथ साथ है बेटा ओले क्या होते हैं हिलस्टो भी गिरने लगे ठीक है तो अब क्या हुआ दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस अभी भी वो खुश है उसको लग रहा है कि जो ये जो ओले गिर रहे हैं ना ये सिल्वर क्वाइंस के जैसे है चांदी के सिक्के जैसे है ठीक है अब जो बॉयज थे बच्चे थे वो भी अपना खाना बना छोड़ के बाहर चले गए क्योंकि वो रेन में अपने आप को एंजॉय करते हुए देखना चाहते थे और एंजॉय करना चाहते थे और 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 वो क्या क्या, क्या कलेक्ट करने लगे वो फ्रोजन पर्ल्स कलेक्ट करने आपने भी ऐसा देखा होगा बाहर ओले पड़ रहे हैं हम बाहर भागते हैं ओले उठाने के लिए देखे ओलों को हाथों में लेकर जैसे तो डेली में दिल्ली में कम गिरते हैं लेकिन फिर भी जब भी ऐसा होता है तो अच्छा लगता है चलो तो उनको वो क्या कह रहा है वो मोती के कह रहा है जो फ्रोजन देखो ओले होते क्या है जो फ्रोजन वाटर होता है जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है या बर्फ जम जाती है ना उसके बहुत टेम्परेचर लो हो जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो मोती जैसे है ठीक है इट इज रियली बैड नाउ अब को लगा अब तो बहुत बुरा हो रहा रहा है 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 ये ठीक उसको लग इट आई होप इट पासिस क्विकली अब जल्दी से खत्म हो जाए इफ इट डिड नॉट पास क्विकली अगर ये जल्दी से नहीं निकला तो बहुत मुसीबत होने वाली है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ अब एक घंटे तक ओले ही गिरते रहे उसके घर पर उसके गार्डन में उसके हिल के पास उसके कॉर्न फील्ड में हर जगह और और ऐसा हो गया कि पूरा फील्ड जो था वो वाइट कलर से भर गया जैसे कि उसके ऊपर नमक गिरा हुआ हो अब इसको क्या किससे कि कंपेयर किया गया जैसे नमक गिर गया हो ऐसे पूरा फील्ड उसका सफेद हो गया नॉट अ ऑन द ट्री एक लीव भी नहीं बची आप देखिए इस पिक्चर में आप देखिए जरा कोई भी लीव नहीं है ये बिल्कुल निराश होके खड़ा हुआ है अपने फील्ड पे सब जगह सब वाइट व्हाइट ओले गिरे हुए हैं तो ये बहुत एक सॉरी फिगर हो गई लंचो के लिए कि अब आगे क्या हुआ द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड कॉर्न जो था सारे के सारे जो उगने वाले थे वो खत्म हो गए डिस्ट्रॉय हो गए सारे फ्लावर्स खत्म हो गए अब लेंचो का जो आत्मा थी वो सैडनेस से भर गई उसको बहुत दुख हुआ When the storm passed, अब जब वो वो चला गया, वो अपने फील्ड में जाके खड़ा हो गया और उसने अपने बच्चों से कहा क्या कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी बहुत एग्जाम में आती है अ प्लेग ऑफ लोकास्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस उसने कहा कि अगर देखो क्या होता है लोकस्ट जो होते हैं एक तरह के कीड़े होते हैं ये जो झुंड में आते हैं और सारी क्रॉप को खराब कर जाते हैं तो कहते हैं इससे अच्छा तो मेरे जो खेत है ना उसमें कीड़े ही आ जाते प्लेग ही फैल जाता कीड़ों का बीमारी ही फैल जाती क्योंकि उससे कुछ तो क्रॉप्स बचती इस हेलस्टोन ने तो एक, -एक चीज खराब कर दी थिंग फॉर मी और इस साल तो हमें कोई कौन मिलने वाला नहीं कोई कमाई नहीं होने वाली इसके इस साल तो हम भूखे रहने वाले हैं ठीक है अब वो जो रात थी वो बहुत दुख भरी थी Obviously, एक फार्मर जिसने इतनी मेहनत की है उसके लिए तो दुख भरी रात होगी ना कि उसका सारा कौन ही खराब हो गया और वो कह रहा है जितना भी हमने काम किया अपने बच्चों से कह रहे हैं जितना भी मैंने हमने काम किया सब बेकार हो गया अब कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता इस साल तो हम हंगरी रहने वाले हैं अब क्या हुआ वो बहुत दुख भरी रात थी

सत्य नाश हो चुका है लेकिन कोई भी भूख के कारण मरता नहीं है क्योंकि भगवान अपने आप ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का आज हमारे पास अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं कुछ बचेगा तो गॉड विल सी टू इट ठीक है और क्योंकि उसने कहा क्योंकि सभी ये बात कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भूखा नहीं मरेगा इस धरती पे क्योंकि भगवान सबके लिए खाना अरेंज कर ही देते हैं ठीक है चलो ऑल थ्रू द नाइट पूरी नाइट लेंचो थॉट ओनली of his one hope, वो पूरी रात सोचता रहा कि मैं भगवान से कैसे मदद लूँ, ठीक है? अब वो भगवान से कैसे मदद लेने वाला है? Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. अब क्या कह रहा है वो कह रहा है उसको बचपन से ही सिखाया गया है कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं भगवान इंसान के मन में भी झांक सकते हैं उसके में भी झांक सकते हैं तो भगवान मुझे देख ही रहे होंगे कि मैं इतना परेशान और लेंचो जो था बहुत हार्ड वर्किंग आदमी था मैन तो मतलब वो बहुत हार्ड वर्किंग आदमी था और पूरे दिन एनिमल्स की तरह अपने फील्ड में काम करता था लेकिन वो लिटरेट जरूर था वह पढ़ा लिखा था और उसको लिखना पढ़ना आता था तो उसने क्या किया चलो मैं लिटरेट हूँ मैं लिख के बताऊंगा भगवान को कि मेरे को प्रॉब्लम हो गई तो में मेरी हेल्प करनी है तो अब संडे को वो बैठ गया लेटर लिखने के लिए और उसने सोचा मैं लेटर लिखूंगा और मैं अपने आप जाऊंगा ठीक है टाउन में और लेटर बॉक्स को मैं मेल में डाल के आऊंगा मतलब लेटर सॉरी लेटर को लेटर बॉक्स में मैं डाल के आऊंगा अब उसने वो लेटर लिखना शुरू किया जो कि क्या था इट वाज अ लेटर टू गॉड अब हम देखते हैं उसने लेटर में लिखा क्या ठीक है चलिए लेट्स मूव ऑन गॉड ही रोट ंग्रेस भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना तो इस साल मैं हंग्रे रहने वाला हूँ और मेरी फैमिली भूखी मरने वाली है और मुझे क्या चाहिए मुझे हंड्रेड पैसो चाहिए मुझे हंड्रेड पैसो दे दो क्योंकि मुझे अपनी नए फील्ड को सो करना है, है दाना डालना है ठीक है सीड्स डालना है मुझे अपने खेत में और जब तक नई क्रॉप नहीं आ जाती देखो बेटा ये तो है ना कि आज उसने सीड डाले और शाम तक उसके क्रॉप में उग भी गई ऐसा तो हो नहीं सकता तो उसको कहा कि देखो जब तक मेरे क्रॉप उगेंगी जितने भी महीने लगेंगे तब तक मेरी फैमिली को सर्वाइव भी करना है तो आप मुझे हंड्रेड पेसोस दे दो क्योंकि जब तक नई क्रॉप नहीं आती तब तक तो मुझे सरवाइव करना पड़ेगा और उसने सारी डिटेल भी लिखी कि भाई ये हेल स्टोन की वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ ठीक है ओके अब उसने क्या किया उस लेटर को एक एनवेलॉप में डाला ठीक है और उसके ऊपर क्या लिखा टू गॉड अब वो अपने वो टाउन चला गया पोस्ट ऑफिस चला गया उसको

मेरे इतने साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए पोस्टमैन मैंने इस एड्रेस को कभी नहीं देखा है 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 आप ही बताओ इसको कहां भेजना है, उसका क्या करना है? अब जो था, वो एक fat, एक मोटा था और fellow, एक लेटर लिख के आया पोस्ट मास्टर भी हंसा लेकिन एकदम से हंसते हंसते सीरियस हो गया क्यों उसको लगा उसने कहा

अब तो पोस्ट मास्टर को पता ही नहीं है ना कि लेटर में उसने मांगा क्या है उसको लगा उसने कुछ लिखा होगा उसका वो रिप्लाई लिख देगा लेकिन जब उसने वो उस लेटर को खोला तो उसको समझ आ गया कि उसको इंक और पेपर के अलावा ना और कुछ भी चाहिए पेन और पेपर के अलावा और कुछ भी चाहिए इसका रिप्लाई करने के लिए तो क्या उसने अपना इरादा बदल दिया नहीं वो अपने रेजोल्यूशन पे जो उसने डिसीजन लिया था उसके ऊपर वो फिक्स रहा उसने सोचा मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा तो उसने क्या किया उसने मनी इकट्ठा करना शुरू किया पहले अपने मतलब पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते थे जो कर्मचारी थे सब लोग खुश भी थे सबको लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं वो चैरिटी कर रहे हैं चैरिटी मैंने आपको बताया था किसी भी नीडी आदमी की मनी देकर हेल्प करना ठीक है लेकिन फिर भी उसके लिए ये इम्पोसिबल था कि वो हंड्रेड गैदर कर पाए ठीक है तो वो क्या कर पाया वो लिटिल मोर देन हाफ बस आधे से थोड़ा ज्यादा मतलब पचास पैसों से कुछ ज्यादा वो कलेक्ट कर पाया उसने जितना भी वो वो कलेक्ट किया उसने एनवलोप में डाला डाल के ऊपर से एड्रेस लिखा और बस एक एक लेटर लिखा उस लेटर में क्या लिखा एक वर्ड गॉड सिर्फ गॉड के नाम से उसने वो लेटर भेज दिया ठीक है अब नेक्स्ट संडे लंचो आ गया जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस अपना लेटर कलेक्ट करने के लिए क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि मेरा लेटर तो आ रहा होगा जो पोस्ट मैंने लेटर उसका पहली बार देखा था ना वही आदमी ने उसको वो लेटर उसके हाथ में दिया और जो पोस्ट मास्टर थे जिसने ये सब काम किया पैसा कलेक्ट किया वो उसको देख रहे थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि लेंचो कैसा फील करेगा जब उसको ये पैसे मिलेंगे और देखो बेटा कंटेंटमेंट तो होती है कंटेंट मतलब संतुष्टि तो होती है जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो आपको बहुत संतुष्टि होती है तो पोस्टमास्टर को वही संतुष्टि हो रही है और वो देख रहे हैं कि अब लेंचो कैसे बिहेव करेगा और उनको बहुत अच्छा भी लग रहा है लेंचो की हेल्प करके ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज जब लेंचो ने लेटर खोला उसको इतना सरप्राइज नहीं हुआ कि इसके अंदर पैसे हैं आपको लगता है आपके साथ भी ऐसा होगा आपको तो भगवान को लेटर लिखा उसमें आपने बोला मुझे पैसे भेज दो आपको थोड़ी दिनों बाद एक लेटर आ रहा है तो आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान नहीं भेजे लेकिन उसको तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ इतना उसको मतलब विश्वास था भगवान के ऊपर बल्कि वो एंग्री हो गया जब उसने मनी काउंट किया क्योंकि पूरा पैसा तो था ही नहीं उसको लगा भगवान तो गलती कर नहीं सकते ना ही वो मुझे कुछ मना कर सकते हैं जो मैंने रिक्वेस्ट की है अब उसको लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है

उसको लिख किया उसको अपनी जीप से टच किया और उसने उसके ऊपर उसको फिक्स कर दिया ठीक है अग्न उसने स्टैम्प खरीद के उस लेटर को भगवान के पास पहुंचा दिया ठीक है अपने हिसाब से आप देखते हैं वो लेटर कहां पहुंचा पहुंचा ऑब्वियसली पहले भी भी भगवान के पास तो तो नहीं था देख तो क्या होता है ठीक है आगे फिस्ट होता है बेटा मुट्ठी से उसने अपनी मुट्ठी से उसको पेस्ट कर दिया जैसे हम अपनी मुट्ठी से कुछ दबा देते हैं ना उसको हम फिस्ट बोलते हैं ओके द मोमेंट द लेटर दिन टू दिल बॉक्स जैसे ही वो लेटर पोस्ट बॉक्स में गिरा पोस्ट मास्टर गया और उसको ले आया अब उस उसपे क्या लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्ट फॉर जितना भी पैसा मैंने आपसे मांगा था बस आपने मुझे 70 ही भेजे हैं मैंने तो आपसे हंड्रेड पैसो मांगे थे और आपने 70 ही भेजे हैं सेंड मी द रेस्ट रेस्ट अब rest कितना बचा मुझे थर्टी पैसोज भेज दो आप ठीक है थर्टी पैसोज आपने भेजे आपने तो भेजे ही होंगे बट डोंट सेंड इट थ्रू मेल आप उसको ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो उसको क्या लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने उसके पैसे चुरा लिए हैं उसको लगा भगवान तो गलती नहीं कर सकते उसने बोला पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो सारे क्या हैं दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स दे आर द बंच ऑफ क्रिमिनल्स दे आर द डिसऑनेस्ट पीपल वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है उन्होंने मेरे एनवलोप से तीस पैसों चुरा लिए हैं और बाकी पैसा मुझे भेज दिया है तो लेंचो को लगा कि यही लोग हैं जो उसका पैसा चुरा रहे हैं बल्कि सच्चाई क्या थी यही लोग थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे ठीक है तो इसके अंदर एक आयरनी है इस चैप्टर के अंदर एक ऐसा होगा लेकिन उसका उल्टा हो जाता है तो उसको हम आयरनी कहते हैं इस चैप्टर में पूछा जाता है इस स्टोरी में पूछा जाता है कि इसमें आयरनी क्या है अब आयरनी क्या है जो एम्प्लॉय जो कर्मचारियों ने लंचो की हेल्प की थी उसी को उसने क्रूक्स कह दिया ठीक है वो तो उसके बेनिफेक्टर्स थे उन्होंने उसी की हेल्प करी थी और उसी को क्रूक्स कहा गया है तो ये इसमें आयरनी वाला पार्ट है इसको आप याद रखिएगा ठीक है चलिए अब फटाफट से कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं ठीक है थोड़ा सा आ, देखना जरूरी है बिकॉज आपके एमसीक्यू ही आने वाले हैं बेटा ये पहला एक्सट्रैक्ट है मैंने एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी लिया है और बाकी के डायरेक्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू के तो पहला एक्सट्रैक्ट है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली जो एक घर था जो एक लौता घर था पूरी वैली में कहां पे था क्रेस्ट पे था हिल के टॉप पे था ठीक है और इस हाइट से कोई भी रिवर देख सकता था फील्ड को देख सकता था जो फ्लावर से ढकी हुआ था और इसे लग रहा था कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है और बस बस हमारे फील्ड्स को क्या चाहिए था एक बारिश चाहिए थी अब लंच जो था वो सुबह से क्या कर रहा था जो अपने फील्ड को बहुत प्यार करता था वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था कि भैया क्लाउड कब आने वाले हैं ठीक है चलिए अब हमने आर कर लिया अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे Based location, be अब उसका घर कैसा था? हम बोलते हैं सोलिटरी अकेला घर था यूनिक सबसे अलग घर था नो no. उसका सी ऑप्शन उसका सोलिटरी घर था ठीक है द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स अब जो फील्ड था वो फ्लावर्स से ढका हुआ था डॉटेड का यहाँ इस लाइन का यहाँ पे क्या मतलब है

ठीक है इसी के और क्वेश्चन है उसको देखते हैं लंचो फॉर अ डाउनपोर क्या चाहता था कि बारिश आए डाउनपोर आए ठीक है या कोई हैवी शावर आए थोड़ी सी रिमझिम बारिश हो जाए अब इसमें बताइए इसमें कुछ बारिश के अलग अलग नाम दे रखे हैं आपको इससे मैच करना है पहले आप मैच करेंगे फिर आप देखेंगे इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है हैवी रेन का मतलब होता है जब बहुत स्ट्रोंग विंड होती है ठीक है सॉरी स्ट्रोंग बारिश होती है ठीक है तो इट वुड बी सी हैवी रेन जो है वो इससे मैच करेगा थंडर light, uh, तूफान कहते हैं तो ये आएगा इसके साथ थर्ड है ड्रिजल मतलब हल्की बूंदाबांदी होना लाइट रेन हल्की बूंदाबांदी को हम ड्रिजलिंग कहते हैं ठीक है टोरेंटियल रेन क्या होती है बहुत तेज बारिश होना तो ये आ गया हमारे इसके साथ डाउनपोर मतलब हैवी रेन जो एकदम से आ जाए उसको हम बोलते हैं डाउन तो इसके हिसाब से फर्स्ट थ्री है थर्ंडस्टॉम फाइव है इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होने वाला है इसके हिसाब से हमारा आंसर है डी ऑप्शन ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी आरटीसी पर बेस्ड अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट इसी एक्सट्रैक्ट के बेस बेसिस बताइए कि लेंचो क्या नहीं सोच रहा था नॉट लाइकली टू थिंक

enough food to eat after this harvest इस harvest के पास हमारे पास खाना बचे खाने के लिए तो ये कुछ रीयल सा लग रहा है साउंड करने पे तो c would be the ओ oh, सॉरी एक मिनट d would be the करेक्ट आंसर कि वो ये नहीं सोच रहा था क्योंकि आपके क्वेश्चन में नॉट आया हुआ है इसका ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी आरटीसी पे बेस्ड है Which quote supports the idea in the given extract? मतलब इस extract से जो हमने chapter में से लिया है आपको क्या समझ आ रहा है फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ होप कि जो फार्मर्स हैं उनका तो काम ही है कि भैया बस होप्स पे जिंदा रहो ठीक है आगे चलते हैं आई वुड राधा बी ऑन माई फार्मी वर्ल्ड इससे अच्छा है कि मैं किसान ही बन जाऊं मुझे राजा बनने में क्या खुशी मिल रही है एम्पर मतलब राजा फार्मर लुक्स माइटी सॉरी फार्मिंग लुक्स माइटी इजी वेन यू फ्लो इज अ पेंसिल एंड यू आर अ थाउजेंड माइल्स फ्रॉम द कॉन फील्ड मतलब इसका कहने का मतलब है की देखो अगर हम फार्मिंग के बारे में लिख रहे हैं ना हमारे पास एक पेंसिल है और हम फील्ड में कभी गए तो है नहीं तो फार्मिंग के बारे में लिखना ईजी है लेकिन फार्मिंग एक डिफिकल्ट टास्क है

बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में आयरनी क्या है आयरनी मैंने बताया था ना जो हम सोचते हैं जो हम सोच ऐसा लगता है कि यही होने वाला है उसको ऑपोजिट हो जाए लेंचो बहुत सैड लेंचो बहुत दुखी था आफ्टर जब उसके जो आ, ओले पड़ गए थे

देर इज नो आयरनी आयरनी तो है तो इसका मतलब सी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है ये yes, स्केच इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाता है आप आ, इस आ, जो हमारे एम सी की क्वेश्चन है इनको आप दोबारे करें जिससे आपको पता चले कि आपको चैप्टर ढंग से समझ आया है कि नहीं अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जरूर पूछें मैं उनका जवाब जरूर दूंगी ठीक है और पढ़ते रहिए पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए फिर हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इसका मैसेज क्या है चैप्टर का एक्सट्रीम फेथ इन द ऑलमाइटी ऑलमाइटी मतलब भगवान अगर आप भगवान में कड़ा विश्वास रखते हैं ठीक है कैन गिव यू अ रे ऑफ होप इवन द डार्केस्ट टाइम तो बुरे से बुरे समय में आपके पास एक उम्मीद की किरण हमेशा रहती है ठीक है तो इसी विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिए आगे वीडियो देखते रहिए अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहिए धन्यवाद